सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करने का गाइस, जिस वीडियो का एडिट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो गाइस यहाँ से चले जाना है VN ऐप में। VN ऐप में जाने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर टैप करना है, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके फिर न्यू प्रोजेक्ट पे। एंड गाइस यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है फोटोज़ में। फोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कोई भी अच्छी सी फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ अपनी। बाकी गाइस जैसे आप फोटो को ऐड कर लोगे गाइस, आप लोग यहाँ पे ओरिजिनल पे जाना है, यहाँ पे आपको 9:16 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आप लोग को एकदम एंड में चले जाना है, वाटरमार्क डिलीट कर देना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप लोग को एक वीडियो डाउनलोड करनी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस वीडियो को आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। वीडियो को ऐड कर देने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, वीडियो जब तक यहाँ पे प्रोसेसिंग में होगी जब तक आपको वेट कर लेना है। फिर उसका जब वीडियो आपकी आ जाएगी तो आपको ऑडियो के ऊपर टैप करना है। ऑडियो पर टैप कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे फाइल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग को जो है नीचे एक वीडियो मिलेगी, उसका भी लिंक मतलब वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। उसका म्यूजिक जो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो यहाँ से हम म्यूजिक को चूज़ कर लेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे डन कर देंगे। इतना जाने के बाद गाइस यहाँ पे हम प्ले करके देखेंगे। गाइस यहाँ पे एक बीट आएगी, गाइस आप लोग समझ जाओगे जब आप लोग सुनोगे तो। वहाँ पे गाइस आपको वीडियो को स्टॉप करना है एंड आपकी फोटो की लेंथ आप लोगों को वहाँ तक रख लेनी है गाइस। ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्टिंग में जाकर फिर से एक बार प्ले करके देख लेना है कि वहाँ पे बीट कहाँ तक आ रही है। तो यहाँ पे जो है बीट मेरी यहाँ तक आ रही है, तो मैं इसको यहाँ तक रख लूँगा, एक बार और सुन लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे बीट आ रही है, बाकी का पार्ट स्प्लिट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्प्लिट करके जो यहाँ पे डिलीट कर देंगे बाकी का, एंड यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट डाल देंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला इफेक्ट, ये ब्लैक फ्लैश वाला। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस के आइकन पे टैप करना है, जूम फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंड इतना होने के बाद आप लोग यहाँ पे डन करना है। फिर उसके बाद आपको करना है क्या है, आपको फोटो सेलेक्ट करना दोबारा से, एंड जो मतलब वीडियो होगी इसको म्यूज़िक ऑफ कर देना है। फिर लास्ट में आपको ऐड वीडियो पे जाना है। ऐड वीडियो पे जाने के बाद आप लोगों को करना है क्या, यहाँ पे आपको फोटो में जाना है। फोटो में जाने के बाद आपको मैसेज वाला जो PNG है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। इसको आपको अच्छे से जो इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से अपनी फोटो में ऊपर की साइड में। एंड गाइस इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है इसका मतलब कि जो लेंथ है इसको पूरी मतलब जितनी आपकी फोटो वहाँ तक रखना है, एंड आगे से थोड़ा सा कम कर लेना इसको, तो क्योंकि इसमें हम एनिमेशन ऐड करेंगे। तो एनिमेशन में जाके आपको जो है स्लाइड वाला एंड या फिर रिवील वाला भी आप कर सकते हो गाइस। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी है आप जो है लगा सकते हो। बाकी फोटो का जो लेंथ है मैंने आपको जैसा बताया था, यहाँ पे जितनी आपकी फोटो है उसके हिसाब से रखनी है इसकी लेंथ। ओके, सो यहाँ तक आपका देख लीजिए, यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह सब कुछ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे तो अब देखिए जहाँ तक हमारा इतना हो चुका है, तो बाकी जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। तो बाकी मैं वीडियो को एक्सपोर्ट कर लूँगा। बाकी गाइस वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।